सभी का हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहता हूँ और मुझे बूढ़ो छोटे बच्चे बक्कल फाड़ विकास हो घड़क विकास ना हो बक्कल फाड़ कौन सा होता है कौन सा विकास है ये जो धुआंधाड़ विकास बोले जासू धुआंधाड़ मतलब अभी डाउनलोड किए हैं भैया। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं DTV न्यूज और मैं हूँ आपके साथ अजय कोहली और मेरे सामने देख रहे हैं दृश्य, ये है चेयर कुर्सी, यानी कि अब राजनीति का वक्त है, चुनाव का वक्त है, तो इस वक्त लड़ाई सिर्फ कुर्सी की है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, इस वक्त हम मौजूद हैं सिकरावा में और यहाँ से हमारे साथ एक युवा मौजूद हैं जो कि भावी उम्मीदवार हैं, साथ ही सरपंची का चुनाव लड़ रहे हैं। किस तरह देख रहे हैं इस चुनाव को, एक नौजवान हैं और पहली बार वो चुनाव में उतरे हैं, तो किस तरह इस चुनाव को देखते हैं, गाँव की पंचायत, गाँव के लोगों से प्यार समर्थन किस तरह का मिल रहा है? क्या नाम आपको? नवेद। नवेद जी, चुनाव में आप हैं तो किस तरह का प्यार, किस तरह का समर्थन जनता से मिल रहा है? बहुत अच्छा मिल रहा है। अच्छा, बाकी क्या कहना चाहेंगे इस जनता के लिए जो प्यार आपको लगातार दे रही है, आपके पास यहाँ लोग खड़े हैं, लोग आपको चाह रहे हैं? सबसे पहले तो मैं सभी का हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहता हूँ और मुझे बूढ़ो छोटे बच्चे भाई सभी से बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है, समर्थन भी मिल रहा है, तो इसके आगे मैं अपने गाँव का पूरा तहे दिल से विकास करूँगा। क्या क्या मुद्दे आपके हैं जिनको जनता के बीच आप लेकर जा रहे हैं? सबसे पहले तो मुझे सारे गांव में लाइट लगवानी है, पानी पहुंचाना है सबके घर में, गरीबों का रास्ता बनवाना है जो रास्ते टूटे हुए हैं। कितने परसेंट वोट आप यहां से जुटा पाएंगे, लगभग कितने वोट आप यहां से ले पाएंगे? इंशाल्लाह 80%। 80% आप यहां से ले पाएंगे जी। अगर है कि जनता आपकी बार नल के साथ चलेगी और नल को चुनेगी? नल के इंशाल्लाह। बाकी क्या मैसेज, क्या संदेश जनता को ले देना? मेरी अपील है कि गांव वाले से आने वाली 2 तारीख को नलके के आगे बटन दबाकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं। धन्यवाद। ये हमारे साथ नावेद थे जो कि सिकरावा पंचायत से एक भावी उम्मीदवार है, एक युवा है, अब की बार एक नए जोश के साथ वो जनता के बीच जा रहे हैं, लेकिन उन युवाओं से भी बात करते हैं जो उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर। जी, क्या नाम आपको? वसीम है जी। वसीम जी, आपकी बार आप नावेद साथ के चल रहे हैं और साथ में नल के साथ चल रहे हैं, तो क्या लगता है कि आपकी बार कितना परसेंट वोट नल को मिलेगा? इंशाल्लाह 80% वोट नल को मिलेगा। कन्फर्म। क्या क्या उम्मीद है आपकी, यहाँ पे एक युवा है, क्या उम्मीद लगाते हैं उनसे? उम्मीद यही लगाते हैं सभी भाइयों से, जो हमारा जो ये अभी जो इलेक्शन हुआ है इसमें 28-30 साल हो गए हमारे मोहल्ले में इलेक्शन को, मतलब सरपंच को आए हुए, अभी तक कोई गांव में हमने रास्ता नहीं देखा जब से सरपंच चल रही है, ऐसा रास्ता नहीं देखा है कि साफ सुथरा हो, जो अच्छी तरह से वाहन को हम निकाल सके, वहाँ कहीं विकास नहीं हुआ है पंचायत, विकास कोई नहीं हुआ है जब तब से। जनता नल को चुनती है तो क्या यहाँ का विकास होगा? बिल्कुल भाई, इंशाल्लाह जरूर हो विकास, तो और बक्कल फाड़ विकास हो घड़क विकास ना हो। बक्कल फाड़ कौन सा होता है, कौन सा विकास है? ये जो धुआंधाड़ विकास बोले जासू। धुआंधाड़ मतलब अभी डाउनलोड किए हैं भैया। और भी लोग उनसे बात करते हैं कि युवा। हाँ भाई साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो ये तकलीफ उठाई है यहाँ गाँव के जो कवरेज करने के लिए, ये हमारे युवा कैंडिडेट नवेद खान है, तो आपके लोगों ने मन बना लिया है कि बदलाव का, क्योंकि जो बुजुर्ग हैं अशिक्षित हैं, अब जो युवा पीढ़ी है वो पढ़ी लिखी है, तो हमारा गांव मेवात में सबसे एजुकेशन टॉप आता है। हमारे इस गांव में बहुत सारे जज भी हैं, इंजीनियर भी हैं, अच्छी अच्छी पोस्टों पे हैं, लेकिन सब ने मन बनाया इस बार बदलाव लाएंगे, युवा लाएंगे और शिक्षित लाएंगे, वो आपके सामने भाई नवेद है, और लोगों ने मन बना के इसको पूरी तरह चुना है और इंशाल्लाह हमें कामयाबी मिलेगी और हमें बहुत अच्छे मतों से हम इसको विजयी बनाएंगे। नल को जनता चुनेगी और यहाँ का विकास होगा। हाँ इंशाल्लाह, युवा है, शिक्षित है, सब चीज़ पता है इसको, तो विकास तो होगा ही। पहले जो बुजुर्ग थे उनको अनपढ़ नहीं, जो यहाँ से पहले आपने सरपंच बनाए हैं अपनी पंचायत से जिन्होंने विकास नहीं कराया, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ सकता है। बिल्कुल, उनके सामने आ रहा है। आज लोगों की यही अपील है, जो पुराने इनको साइड में करो, नए लाओ, नए बच्चे, तब्दीली चाह रही है, तब्दीली चाह रही है, विकास चाह रही है, और विकास चाहेंगे तो तब्दीली की जरूरी है, तब अगर तब्दीली होगी तो तभी बदलाव आएगा, विकास होगा, ये साफ सी बात। नए चेहरे को जनता की बार चाह रही है, नए चेहरे को, युवाओं की जो पुकार है, नया चेहरा शिक्षित, वो आपके सामने भाई नसीम है, इंशाल्लाह हमें कामयाब मिलेगी, विकास होगा और देश आप दोबारा जब चक्कर लगाएंगे 2 तारीख के बाद इस गांव की तस्वीर हुई बदली मिलेगी आपको। तस्वीर और तकदीर। सरपंच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। हेलो सर, मेरा नाम आदिल खान है। अच्छा आदिल खान जी, किस तरह देख रहे हैं चुनाव को? मैं चुनाव को देख रहा हूँ बहुत अच्छा है, चुनाव चल रहा है गांव में, सारे अपने अपने कर रहे हैं जो भी कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमने पहले देखा है 10 साल में, इस साल में 10 साल में अभी लास्ट टाइम देखा है कि हमारे जो रास्ते थे वो सारे उबड़ खाबड़ कर दिए इन लोगों ने, जो हमारा पार्षद था, सरपंच था,
उन्होंने सारे रास्ते हमारे ख़राब कर दिए गाँव के, और देखते हैं अब तक, अब हम इनको रास्ते इंशाल्लाह बनवाएंगे सारे को। अभी आप गांव में जाकर देख सकते हो क्या चल रहा है गांव में, गांव के बिल्कुल बिल्कुल ग्राम पंचायत का विकास नहीं है। जनता का कहना हाँ। क्या कहना चाहेंगे सर, आने वाले 2 तारीख को जनता नल को वाकई में चुनने वाली है? नहीं हाँ बिल्कुल चुनने वाली है इंशाल्लाह, 80% मतों से हम जीत हासिल करेंगे। नावेद को लेकर आएंगे हम बिल्कुल, समय सरपंच बने रहिए आप हमारे साथ। ये देखिए सिकरावा गांव में हम पहुंचे और यहां से हमारे साथ नावेद जो कि एक युवा हैं और नलके के साथ हैंडपंप के साथ वो जनता के बीच जा रहे हैं। अब आने वाला वक्त और जनता तय करेगी कि अब की बार सिकरावा से किसको आगे लेकर आना है, किसको ये कुर्सी देनी है, किसको सरपंच बनाना है। बने आप हमारे साथ, DTV न्यूज़ पर धन्यवाद।